नमस्कार, टाटा पावर के शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ही बढ़िया ब्रेकिंग न्यूज, बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज दिखाई दे रही है। और आज के दिन पे अगर आप देख रहे हो टाटा पावर पे काफी गजब की तेजी, लगभग 2.5% की। अब आप सोच रहे होंगे कि 2.5% की तेजी कुछ गजब कहां से हो गई। दोस्तों, अगर आप यहां पे आज का बाजार देख रहे हो तो लाल निशान पे ट्रेड कर रहा है, मतलब कि काफी वोलेटाइल आपको मार्केट दिखाई दे रहा है। उसके बावजूद भी अगर आप देख रहे हो कि टाटा पावर में काफी अच्छी तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है, तो कुछ ना कुछ तो बड़ा रीजन आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे कहना चाहूंगा, अगर आप मेरे वीडियो को, आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब यहां पे जरूर से कर लीजिएगा। और एक और बड़ी अपडेट, अगर आप यहां पे लेटेंट आईपीओ से रिलेटेड आपने अप्लाई किया था तो वीडियो आ चुकी है, तो वीडियो के लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखाई दे जाएगी। इसी के साथ साथ अगर आप देख रहे हो टाटा पावर के साथ टाटा मोटर्स में भी इससे बड़ी दुगनी खबर आपको आते हुए दिखाई दी है, तो उसकी वीडियो आपको अगली आने वाली है। होप करते हैं कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब यहां पर जरूर से कर लिया होगा, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों, कल के दिन पे ही मैंने आपको टाटा मोटर्स और टाटा पावर पे कल एक अपडेट दिया था, कहा था कि कल पे देखना यहां पे काफी बड़ी तेजी आपको ये स्टॉक इंडिया न्यूज पे मिलने वाला है। और आज के दिन पे फिर से देखा जाए टाटा पावर पे काफी अच्छी तेजी लगते हुए दिखाई दी गई है। आइए जानते हैं खबर पे। दोस्तों, अगर आप कंपनी इन्फॉर्मेशन पे जाते हो, यहाँ पे चेक किया जाए कि कल का दिन टाटा पावर के लिए बहुत ही बड़ा था। उस हिसाब से देख रहे हो कि कंपनी की एनालिस्ट और इन्वेस्टर की मीटिंग बैठी थी, तो आइए आते हैं कि क्या ऑफिशियली बाहर निकलते हुए दिखाई दिया गया। कल सीएलएसए की तरफ से यहाँ पे इनकी मीटिंग बैठी थी वर्चुअल, जो कि 1:1 पे मीटिंग बैठी थी। और आज के दिन पे देखा जाए मॉर्गन स्टैनली के साथ साथ फिर से एक वर्चुअल मीटिंग बैठने वाली है। और अगर आप इन्वेस्टर्स का नाम देख रहे हो तो एंटी पॉट्स पार्टनर हो गए, सेंट्रल इन्वेस्टमेंट हो गया, पिन पॉइंट हो गया, यूजी इन्वेस्टर हो गया, जवा कैपिटल हो गया। अब आप ये सोच रहे होगे कि इनके कॉन्फ्रेंस मीटिंग से हमारा क्या फायदा होगा, तो देखिए, जब इनके मीटिंग बैठती है तो मार्केट में जितने भी इन्वेस्टर या ट्रेडर होते हैं तो कुछ अच्छा उम्मीद करते हैं यहाँ पे। क्योंकि कल के दिन पे मैंने आपको टाटा मोटर्स में बताया था कि टाटा मोटर्स की भी कल मीटिंग बैठी है, देखिएगा कुछ बड़ा निकलते हुए दिखाई देगा। और जिसका इंतजार था वो बड़ा आपको निकलते हुए दिखाई दे चुका है, अगली वीडियो आपको टाटा मोटर्स पे दिखाई दे जाएगी। बताने को तो मैं इसमें भी बता सकता हूँ, पर अभी वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। सवाल यहाँ पे ये उठता है, जो यहाँ पे फ्रेश एंट्री के लिए सोच रहे हो और जो यहाँ पे पुराने हैं, उनको क्या टारगेट्स यहाँ पे दिखाई देने वाले हैं। तो चौंकाने वाला चीज 19 अक्टूबर को अगर आप देख रहे हो कि करंटली यहाँ पे 52 वीक हाई बना है, इसके बाद अगर आप देख रहे हो कि धीमे धीमे जिस हिसाब से तेजी है, मेरे ख्याल से 249 करीब आपको 52 वीक हाई के पास दिखाई दे रहा है। अब आता है सवाल यहाँ पे फ्रेश एंट्री के लिए, क्या जा सकते हैं हम लोग इसके अंदर। दोस्तों, अगर आप यहाँ पे टेक्निकली देख रहे हो तो शेयर आपको इस टाइम पे ओवरबॉट पे आते हुए दिखाई दे रहा है, जो RSI नंबर है लगभग आपको 71 के करीब दिखाई दे रहा है, तो मतलब कि कोई ज्यादा ओवरबॉट पे नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आप सोच रहे हो यहाँ पे फ्रेश एंट्री के लिए, तो मेरे ख्याल से फ्रेश एंट्री के लिए जा सकते हो, टेक्निकली देख के बताया जा रहा है। और जिस हिसाब से टारगेट की आप उम्मीद कर रहे हो, तो यहाँ पे एक ऑप्शंस का डेटा अगर आप देखोगे जहाँ पे कॉल्स के बायर है, तो लगभग 270 तक के टारगेट आपको इजिली दिखाई दे सकता है इस 25 नवंबर से पहले। और आप सोच के देखो, जब यहाँ पे बायर्स हैं कॉल पे लगभग 270 के प्राइस पे, तो 270 के ऊपर जाने के बाद ही इन बायर्स को यहाँ पे फायदा प्रॉफिट होते हुए दिखाई देगा। तो लोग उम्मीद करके बैठे हैं कि इस कंपनी का शेयर का प्राइस आपको 270 के ऊपर जाते हुए दिखाई दे सकता है, ये रहा इस मंथ का टारगेट। लोग इस टाइम काफी ज्यादा बुलिश दिखाई दे रहे हैं। मेरे ख्याल से अगर आपने होल्डिंग ले रखी है, तो आप यहीं से टारगेट का अनुमान लगा सकते हो, जिस हिसाब से आपको डेटा बाहर दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से आप देख सकते हो कि आज यहाँ पे बड़ा ब्रेकआउट होते होते दिखाई दे सकता है, अगर यहाँ पे बाजार ने इसका साथ दिया तो। पर वैसे अभी कोई सिम्टम्स नहीं दिखाई दे रहे। दोस्तों, इतना ही नहीं, अगर आप CNBC आवाज की तरफ से देखोगे तो आपको टाटा पावर पे काफी अच्छी खरीदारी की राय, काफी अच्छी खरीदारी बाय की आपको कॉल मिलते हुए दिखाई दे रही है एक CNBC आवाज की तरफ से। तो ओवरऑल देख सकते हो कि पूरा मार्केट टाटा पावर पे इस टाइम बुलिश दिखाई दे रहा है। कमेंट सेक्शन नीचे खुला हुआ है, आपका क्या फीडबैक है इससे रिलेटेड जरूर से बताने की कोशिश कीजिएगा। आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम पे क्या फ्यूचर इसका दिखाई दे सकता है, क्या फ्यूचर प्राइस आपको इसका दिखाई दे सकता है। होप करते हैं कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब यहाँ पे जरूर से कर लिया होगा। आज के लिए, अभी के लिए तो नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए ख्याल रखिए। नमस्कार।